हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरे पास जो फैब्रिक्स है वो कॉटन वाला फैब्रिक्स है, और आज हम आप लोगों को बताएंगे सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग आपको कैसे करना है। कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों बताएंगे। देखिए, कपड़ा को जो है हमारा प्लेन एकदम सिंपल कटोरी कटिंग नहीं बताएंगे, और अगर आप लोगों को कटोरी कटिंग सीखना है तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जाके चेकआउट कर लीजिएगा। तो देखिए, कपड़ा को पहले क्या करना है, डबल फोल्ड में फोल्ड कर लेंगे। देखिए इस तरीके से, देखिए डबल फोल्ड में फोल्ड कर लिए हैं कपड़ा को। देखिए डबल फोल्ड में कपड़ा को फोल्ड कर लिए हैं। अब इसमें क्या करेंगे कि और एक बार फोल्ड कर लेंगे। तो कपड़ा को हम चार फोल्ड में फोल्ड करेंगे। देखिए चार फोल्ड में फोल्ड कर लिए हैं कपड़ा को। अब क्या करेंगे, देखिए कपड़ा जो मेरा चार फोल्ड में फोल्ड है, देखिए इसको क्या करना है। अब देखिए कपड़ा को हम चार फोल्ड में फोल्ड कर लिए हैं, चार फोल्ड में फोल्ड कर लिए हैं। अब इसमें क्या करेंगे हम, देखिए जो ये मेरा बैक साइड वाला कपड़ा है इसको पहले हम नापेंगे 14 साढ़े 14 इंच। देखिए 14.5 इंच है, और जितना मेरा पीछे वाला साइड है उससे थोड़ा सा ज़्यादा लेना है नीचे तरफ। देखिए 4 इंच हम एक्स्ट्रा लिए हैं, ये फ्रंट साइड वाला है इसलिए हम 4 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अब देखिए ब्लाउज़ का मेरा साइज़ क्या है, ब्लाउज़ का जो साइज़ है वो मुझे लेना है 10 इंच। देखिए ग्यारह इंच ले लेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा टक्स के लिए 11 इंच हो गया। अब देखिए हम शोल्डर लेंगे 6 इंच, सॉरी 5.5 इंच, 5.5 इंच हम ले लिए शोल्डर। अब गला हम लेंगे 2.5 इंच, ठीक है। अब देखिए 5.5 इंच हम लेंगे आर्मोल, इसको सीधा कर देंगे और यहाँ पे गोलाई का शेप दे देंगे इस तरीके से, हो गया। ये मेरा एक्स्ट्रा है 1 इंच, ठीक है। अब देखिए जैसा हम लाइन ड्रॉ किए हैं सिंपल कटिंग कर देना है। 5 इंच हम लेंगे आगे साइड में, और पीछे साइड में लेंगे हम 9.5 इंच। तो 9.5 इंच पर दाग देंगे, ये मेरा पीछे साइड वाला है इसलिए। देखिए इसको गोलाई का शेप दे देंगे, इसको भी, इसको पहले कटिंग कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से इसका जो जॉइंट है वो हटा लेंगे। देखिए निकल गया। अब क्या करेंगे, ये वाला मेरा पीछे साइड वाला है, ये मेरा फ्रंट साइड है, इसको पहले हटा लेंगे। इसको हम जैसा लाइन ड्रॉ किए थे वैसे सेम कटिंग कर देना है। देखिए कटिंग कर लिया। अब ये वाला जो मेरा कपड़ा है इससे हम पट्टी निकालेंगे। देखिए ये मेरा पट्टी निकल गया, हुक लगेगा उधर भी और हुक घर का भी पट्टी, दोनों साइड का पट्टी हो गया। अब देखिए यहाँ का जो बीच है सेंटर पॉइंट, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, मेरा जब भी आप कपड़ा को नापिएगा जितना आपका फिटिंग्स आएगा वहाँ से बीच जहाँ पे होगा सेंटर वाला पॉइंट पे वहाँ पे आपका लगेगा टक्स, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं करना है कि यहाँ से जितना बड़ा मेरा कपड़ा है इसका बीचों बीच लगेगा, नहीं, जहां से आपका फिटिंग्स आएगा वहां से आपको बीचों बीच लगेगा टक्स, इस जगह पे लगेगा टक्स, ठीक है। तो पीछे साइड वाला कटिंग हो गया। अब देखिए फ्रंट साइड वाला कैसे कटिंग कीजिएगा। देखिए आर्मोल मेरा कटिंग हो गया है, अब आगे तरफ वाला कैसे कटिंग कीजिएगा।
देखिए यहाँ पे मेरा 13 इंच पर होगा निशान, यहाँ पे 13 इंच पर देखिए। ओके, कपड़ा को ऐसे करके रख लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से पहले 3 इंच ले लेंगे हम, अब देखिए ये मेरा फ्रंट साइड वाला गला है इसलिए हम 5.5 इंच ही रखेंगे। अब इसको गोलाई का शेप दे देंगे इस तरीके से। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम नीचे तरफ लेंगे 13 इंच, देखिए 13 इंच पर एक दाग दे देंगे इस तरीके से। अब इसको सीधा लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो मेरा था आर्मोल था मेरा 5.5 इंच, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे ऊपर तरफ आएगा 1 इंच ऊपर तरफ, इस तरफ ऐसे करते हुए इसको गोलाई का शेप देना है, देखिए इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया। अब क्या कीजिएगा, यहाँ पे देखिए नापिए कितना है, 6 इंच है, 6 इंच का आधा कितना होगा 3 इंच, 3 इंच पर लगेगा टक्स, ठीक है, 3 इंच पर एक टक्स लगेगा। अब देखिए यहाँ का कितना है, 11 इंच है, 11 इंच का आधा कितना होगा 5.5 इंच, यहाँ पे लगेगा एक टक्स। तो नीचे से ऊपर तरफ की ओर लेके जाना है 3.5 इंच, देखिए ये हो गया मेरा सेंटर पॉइंट, ये हो गया मेरा सेंटर पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे एक टक्स लगेगा। अब ध्यान दीजिएगा टक्स का जो दूरी होगा 2-2 इंच की दूरी पे लगेगा टक्स, देखिए यहाँ से 2 इंच पर, ये और थोड़ा आगे तरफ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से फिर 2 इंच पर, देखिए इस जगह पे लगेगा टक्स ऐसे करते हुए, ठीक है। फिर यहाँ पे लगेगा 2 इंच पर टक्स, इस जगह। तो फ्रेंड्स देखिए 2-2 इंच की दूरी पर होगा टक्स, बहुत ही आसान तरीका बता रहे हैं, एकदम सरल तरीका। अब देखिए ये वाला जो कपड़ा है ये मेरा निकल जाएगा तीरा, देखिए इसके लिए पहले नाप लेंगे, देखिए कितना है, देखिए 7 इंच है। यहाँ पे हम फोल्ड कर लेंगे 4.5 इंच तक, यहाँ पे इतना मेरा फोल्ड हो जाएगा कपड़ा, इतना फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे टक्स लगेगा, यहाँ पे जब टक्स लगेगा तो यहाँ का कपड़ा भी थोड़ा छोटा हो जाएगा, यहाँ का कपड़ा भी थोड़ा छोटा हो जाएगा, यहाँ भी थोड़ा छोटा हो जाएगा, टक्स लगेगा तब यहाँ भी टक्स लगेगा, ठीक है। अब देखिए जैसा हम लाइन ड्रॉ किए हैं वैसे सेम अब कटिंग कर देना है, यहाँ से सिर्फ कटिंग करना है और गला भी यहाँ से कटिंग करना है। देखिए कटिंग कर लेंगे, अब इसका भी गला को भी कटिंग कर लेंगे, देखिए गला भी कटिंग कर लिए। अब ये वाला जो जॉइंट है इसको हटा लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए मेरा साइड आगे वाला भी कटिंग हो गया है, देखिए ये तीरा हो गया, ये साइड वाला पल्लर हो गया। अब देखिए ये हो गया आपका पीछे वाला, ठीक है, और ये हो गया स्लीव्स। अगर स्लीव्स कटिंग आपको बारीकी से सीखना है तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जाके चेकआउट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा,
और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।